इजीली साबित कर सकते हैं कि हम इतने इस डेट को फलां से फलां समय यहां पर थे सेक्टर 6 स्टेट ड्यूटी गेस्ट हाउस में, नॉट ए प्रॉब्लम। सो अब यह माना गया कि इन टेक्नोलॉजी की चीजों को हम क्रिमिनल लॉ से बाहर नहीं रख सकते, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज एविडेंस, ये एक एविडेंस ही तो है। मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, आप मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साक्ष्य हैं। मैं सुबह आके सर से मिला तो ये एविडेंस ही तो है कि आई एम फिजिकली प्रेजेंट देयर, सर का एविडेंस मैं हूं, मेरे एविडेंस है। सो ये एक सिचुएशन को क्रिएट किया गया कि अब ये जो चीजें हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ में इनको एंटर कराया जाए। हम एक ऐसी कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे, जो ब्रिटिश पुलिस मॉडल ने हमें सिखाई थी और इतने वर्ष हमारा पुलिस तंत्र उसको फॉलो करता गया राइटली रॉन्गली, वो उसमें टेक्नोलॉजी पार्ट मिसिंग था। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच नाउ द गवर्नमेंट हैज डन एंड वेरी यू नो इट्स अ नीड ऑफ द आवर। क्यों नीड ऑफ द आवर था, यहां पर एक स्टैटिस्टिक्स डाटा अपने साथ हम लेके चलते हैं। पिछले 50 साल 60 साल का जो क्राइम रिकॉर्ड, इतनी पुलिस की कोशिश के बावजूद अदालतों का गठन हो गया मास लेवल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट ने कोई कमी नहीं रखी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हुए, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वाज द रिजल्ट, कन्विक्शन रेट, सजा कितने को हुई, वो डाटा भारत में कभी भी अच्छा नहीं रहा, इट ऑलवेज ट्रेवल्ड बिटवीन 6-8%। तो आम आदमी को हमें समझाना हो तो हम कहेंगे कि जुर्म करने वाले 100 आदमी, इन पे ट्रायल चला और 6 लोग ही सिर्फ जेल में गए, 94 लोग वापस चले गए अपने घर में। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि इन 94 ने वापस जाके समाज में मैसेज दिया कि भारतीय कानून कमजोर है, हमें कोई ना कोई बेनिफिट सिस्टम से हम ग्रांट कर लेंगे, कुछ एडवोकेट साहब को टेक्निकलिटी निकाल लेंगे, कुछ डिले इन सिस्टम, कुछ डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें हिट किया, हमारे सिस्टम को हिट किया, दैट वाज गवाह का मुकर जाना, जिसको हम टेक्निकल भाषा में समझते हैं हॉस्टाइल विटनेस, कि प्रोसिक्यूशन ने गवाह को आज बुलाया ये समझते हुए कि ये गवाह पुलिस को सपोर्ट करने के लिए हमने बुलाया है, लेकिन जैसे ही उसकी टेस्टिमनी अदालत में शुरू हुआ वो पलट गया। उन्होंने कहा मैं नहीं जानता ना, मैं क्राइम सीन पे था, पुलिस ऑफिसर साहब ने दबाव डाला मेरे ऊपर, मेरे से खाली का भी करा लिया साइन और मेरे को बना लिया गवाह, और कल रात को इंस्पेक्टर साहब मेरे घर आए थे भी 10 बजे अदालत में आ जाना, नहीं तो परेशानी होगी तेरे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ अस कि आप यहां आए हमारे साथ वार्तालाप में शामिल हुए। द वार्तालाप ऑन द न्यू 3 क्रिमिनल लॉज हैज बीन मैंडेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। So, जैसे सनी बताया कि इसका जो मोटो है, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, वो आर जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं, उनको एटलीस्ट इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में पूरी जानकारी हो जाए, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज वंस दे विल बी इंप्लीमेंटेड देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन गोइंग ऑन इन पब्लिक। अभी भी चल रही है, फ्यूचर में भी आएगी। So it will always be better कि अगर हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनको इसके बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हो, सो दैट दे कैन काउंटर द मिस इंफॉर्मेशन जो या और डिफरेंट टाइप ऑफ रूमर्स दैट विल बी गोइंग ऑन इन द पब्लिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दैट वी हैव इन चंडीगढ़ एंड द नॉर्दर्न रीजन। So, Ministry of Information Broadcasting, it is an organization, it is an umbrella organization. There are a number of organizations under Ministry of Information and Broadcasting. We have Press Information Bureau, we have Central Bureau of Communication, Australia DAVP, we have RNI, All India Radio, Doordarshan, and a new organization, CBFC, that's Australian Censor Board. We used to know them by Censor Board, Central Board of Film Certification. A new office is opened in Chandigarh now, and soon the screening and all the certificates will be given from Chandigarh only. Because a Punjabi movie holds a good significant number in the media industry. So henceforth, all the certifications and screening will be done in Chandigarh only. To move forward,
We have Central Bureau of Communication. You all are aware of the DAVP. So now the three organizations have been merged under Central Bureau of Communication. The primary aim is to disseminate the information to interpersonal level. So the officials, they go to nook and corner of the country and they interact with public. They give information about policies of government of India through different means. Jaise Nukkad Natak, exhibition, puppet shows. जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या पोलियो अभियान हुआ था उस टाइम पे जो हमारे ट्रूप्स थे दे वेंट टू ऑलमोस्ट ऑल द ग्राम पंचायत्स ऑफ द कंट्री दे जनरेटेड अवेयरनेस अबाउट इट तो इंटरपर्सनल लेवल पे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज ऑल इंडिया रेडी वन सर्टेन यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट We have AIR office in Jalandhar, Shimla and Chandigarh. यहाँ से जो हमारी regional news होती हैं वो सारी यहाँ से broadcast होती हैं. All India Radio की importance अभी भी इसीलिए है because जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं इंडिया के वहाँ अभी भी All India Radio ही सुना जाता है. वहाँ FM की जो penetration है that is very less, almost negligible. सारे मीडिया के सज्जन अज श्री आए हैं तो ये जो थ्री न्यू क्रिमिनल लॉज पूरे देश लागू हो जा रहे हैं जल्द उन्होंने बारे असी डिटेल में सारे मीडिया के सज्जनों चर्चा की. एक परपज है वार्तालाप का यही सी कि साड़ी जनरल पब्लिक बच्चों औरतों ये नवे कानूनों उन्होंने नवे मिले हकों बारे पता लगे तो साड़े मीडिया वालों सारी जी अवेयरनैस प्रोग्राम फैलाया जाए कि नवे कानून उन्होंने किमें उन्होंने मदद करेंगे किमें कानून तो सरकार उन्होंने लागे खड़ी होएगी तो उन्होंने मदद करेगी. चंडीगढ़ में ये कानून लागू होने बारे असं पूर्ण तौर पर तैयारियां कर चुके हैं. साड़े को नवा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर सारे मुलाजमान की ट्रेनिंग ये मुकम्मल हो चुकी है तो जल्दी ही 1 जुलाई तो पूरे ही देश सारे नवे कानून लागू हो जा रहे हैं तो सानू उम्मीद है कि चंगे तरीके पूरे देश लागू होने में सारे विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगी.